ओके तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल्स. व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल्स? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली एंड दिस इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. कंसेप्चुअल पहले मालूम पड़ने के बाद एग्जाम्स के लिए तैयारी करना काफी आसान होता है. तो हम लोग समझने के लिए वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कैपिटल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. आप इकोनॉमिक्स में सुनते हो, शायद एसपी में भी सुनते हो, बट दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है. सो कैपिटल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कैपिटल्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स. क्या है फिक्स कैपिटल्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स? नाउ इफ आई आस्क यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फिक्स कैपिटल्स? सो क्या जवाब रहेगा आपका? व्हाट इज फिक्स कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेशन अगर मैं पूछूं, नाम से अगर आपने सिखाया नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, लॉन्ग टर्म, ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हो गया. यही मैं बोल रहा था, परमानेंट. अभी पार्टनरशिप फर्म के बारे में सोचो एंड इन रेफरेंस टू फ्लक्चुएटिंग सोचो. पार्टनरशिप फॉर्म में अगर हम लोग समझे, सो व्हेन कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स सेम फॉर ऑल द इयर्स, इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल्स. देखो समझ में आता है कि आपको बात? अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल सेम रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल्स. सो व्हाट विल बी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स देन? व्हेन कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस चेंजेस एवरी ईयर देन इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स. लेट मी क्लैरिफाई दैट दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग कैपिटल्स. वेज म्हणजे काय सर? इट्स सिंपल कि कुछ लोगों को कुछ चीजें कुछ पर्टिकुलर तरीके में किया तो अच्छा लगता है. ठीक है, टू एक्सप्लेन इट मोर, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, आप एक शादी में गए, डिनर है. तो बफेट डिनर में क्या होता है? आप खाना कैसे खाते हो दैट प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, योर स्टाइल. हर एक का अपना अपना अंदाज अलग हो सकता है. सबको मालूम है एक बड़ा प्लेट होता है, ज्यादातर आप स्टार्ट करते वक्त दो वाटी दिया जाता है, एक स्पून दिया जाता है, ज्यादातर एक टिश्यू पेपर दिया जाता है. नो, वेरी इंटरेस्टिंग हाँ माय डियर फ्रेंड्स. अब ये दो वाटी में क्या लेना चाहिए, इसका कोई कहीं पर रूल लिखा हुआ नहीं है. लोग अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी करते. कुछ लोग वहां पर स्वीट रखना पसंद करते हैं ताकि वो रेगुलर डिश के साथ मिक्स ना हो. कुछ लोग वहां पर लिक्विड भाजी रखना पसंद करते हैं ताकि वो बाकी जगह पे ना फैले. ठीक है, मैंने तो आउट ऑफ द वे देखा है. एक आदमी है जो वो वाटी में चावल भर रहा था एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा, भाई ऐसा क्या कर रहा है? बोलता है उसका क्वांटिटी मैं मिक्स करना नहीं, ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, नहीं तो मैं ना बहुत ज्यादा चावल खा लेता हूं. बहुत बड़ा तर्क है यार, लॉजिक है. अपन क्योंकि चावल कितना लेते समझ में नहीं आता, तो वो क्वांटिटी मेजर करने के लिए वो वाटी में चावल ले रहा था, है ना? मतलब मेरे को बताओ, अगर मैं पूछूं कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो एवरीथिंग इज करेक्ट और अल्टीमेटली सब पेट में ही जाने वाला है यार. क्या फर्क पड़ता है अगर खीर तुमने वाटी में ही लिया या खीर पूरा तुमने प्लेट में डाल के पिया? अल्टीमेटली द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन द सेम वे. सो फ्लक्चुएटिंग रखो या फिक्स्ड रखो, द आंसर विल बी सेम.
प्लीज अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, मैं आपको बता रहा हूँ, बफेट डिनर याद रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर हमेशा सेम रहेगा। फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस चेंज होते रहेगा, फिक्स में बैलेंस जो रहेगा कैपिटल्स का सेम दिखेगा। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल साइड बाय साइड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप लोगों ने अभी तक 7-8 या शायद ज्यादा ही क्वेश्चंस किए हैं, आपने बहुत सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं मेरे दोस्तों, बनाए हैं ना। मैं इधर से ही कुछ ले लेता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। ओ सॉल्यूशन, वन सेकेंड। चलो ज्यादा नहीं, मैं आप लोगों के पास सबके पास रहेगा ऐसा एक आधा क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट अस से हाल लॉ ऑफ लेट मैंने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, ये वाला शिल्पा कतरीना वाला क्वेश्चन, मैं यही कैपिटल अकाउंट उठा रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू। व्हाट हैपेंड इन दिस कैपिटल अकाउंट, पे अटेंशन क्लोजली माय डियर फ्रेंड्स। साल के शुरुआत में इनका दोनों का कैपिटल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इट वॉज 45,000 एंड 45,000। एट द एंड ऑफ द ईयर इट बिकेम 60,733 एंड 59,732। एंड वो हु वॉज द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी व्हाट मेड दिस चेंज, वॉज टू आइटम्स, वन वॉज ड्रॉइंग्स एंड अदर वॉज नेट प्रॉफिट। तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर चेंज्ड, तो मेरे को बताओ ये फिक्स्ड कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यस दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड द रीजंस एज आई सेड वेर reasons for fluctuating, reasons for changes where one drawings of partners, two net profit earned during the year। इसके अलावा आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। इसके अलावा आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसके अलावा आ सकता है पार्टनर सैलरी, या आ सकता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। दीज आर द रीजंस जिसके वजह से इनका कैपिटल का बैलेंस डिस्टर्ब होगा या चेंज होगा, और ये सारे रीजंस को देखोगे तो दे आर इंटरनल एडजस्टमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स। व्हाट आर दे, इंटरनल एडजस्टमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स, पार्टनर्स का आपस का बात है, यहां पर कोई बाहर इन्वॉल्व या बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं है। सो मेरे दोस्तों, व्हेन ऑल द इंटरनल एडजस्टमेंट्स अमॉन्ग पार्टनर्स आर recorded in partners capital account itself, then the capital account balance changes every year। जब सारे इंटरनल एडजस्टमेंट्स आप कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हो तो नेचुरली कैपिटल का बैलेंस हर साल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर समझो शिल्पा या जो भी कतरीना है बोलती नहीं नहीं 45,000 का 45,000 ही चाहिए, बाकी का सब चीज कहीं और रिकॉर्ड करो, बाकी का मतलब यहाँ तो ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट है, बाकी सब यानी इंटरेस्ट ये सब चीज अगर बाहर रिकॉर्ड करो, ऐसा डिसीजन होता है तो उन लोग एक अकाउंट के बदले में दो अकाउंट ओपन करते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। तो उन लोग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो रखते हैं, कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं जाएगा। साथ में एक और अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट में क्या होगा, इसमें कैपिटल बैलेंस नहीं आएगा, इसमें कैपिटल बैलेंस नहीं आएगा। और कैपिटल अकाउंट में बाकी की बातें नहीं आएंगी। देखो इंटरेस्टिंग चीज मैं धीरे धीरे डेवलप करके दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो, बाय हार्ट करने का कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने वो इंटरनल एडजस्टमेंट्स अलग जगह पे डाल दिए तो उससे क्या असर दिख रहा है मेरे दोस्तों? आपको दिखेगा कैपिटल अकाउंट शिल्पा के कॉलम में क्रेडिट का टोटल 45,000 ही है और बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इज ऑल्सो 45,000। कतरीना, बैलेंस इज 45,000 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड दिस इज ऑल्सो 45,000। मेरे को बताओ क्या उनका कैपिटल डिस्टर्ब हुआ क्या? क्या उनका कैपिटल डिस्टर्ब हुआ क्या, जितना शुरुआत में था उतना ही आखिर में? क्योंकि उधर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो सब रिकॉर्ड करने के लिए नया अकाउंट बनाया तो 17,733 अलग से आया। 17,733 में से 2,000 माइनस किया तो 15,733 आएगा, और इधर 17,732 आया, और इधर आएगा 14,732। बोलो अपन ने जो आंसर सॉल्व किया, जिधर अपने को 6,733 और 59,732 आया और इनको ऐसा दो अकाउंट में आया, तो क्या अपना फाइनल अकाउंट्स का आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ओनली डिफरेंस इज वी हैड वन अकाउंट, हियर दे हैव टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सो व्हेन ऑल द इंटरनल एडजस्टमेंट्स अमोंगस्ट पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट, देन कैपिटल बैलेंसेस रिमेन्स सेम एवरी ईयर। बोलो एवरीवन विथ मी ऑन द सेम लाइन, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू? इन सिंपल वर्ड्स, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। वन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमेशा सेम रहेगा, और टू, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब सारे एडजस्टमेंट्स, अगर दोनों अकाउंट है तो सारे एडजस्टमेंट्स कहां करने चाहिए आपको? दोनों अकाउंट रहेगा तो सारे एडजस्टमेंट्स कहां करने चाहिए? यस, इन करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हाथ ही नहीं लगाना है, जबकि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन्ड एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चंस किए मेरे को बताओ, हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया? फिक्स्ड
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किया कि फिक्स कैपिटल किया। अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चंस किए वो सारे के सारे कौन से क्वेश्चंस थे? दे वेर ऑल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, दे वेर ऑल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। कोई बोलेगा सर हम लोग को कैसे समझेगा एग्जाम में, तुमको बहुत सिंपल है। अब हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते तो 12th बोर्ड एग्जाम्स, इफ ध्यान से सुनना, इन द ट्रायल बैलेंस, इफ इन द ट्रायल बैलेंस ओनली कैपिटल्स आर गिवन, ठीक है, यानी कौन सा कैपिटल है वो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी नोज दिस, यस नो डोंट नो? हमने किया है जो अभी तक आज तक करते आ रहे। हाउएवर इफ बोथ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड कैपिटल्स, दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड कैपिटल्स, देन प्रिपेयर पार्टनर्स विच अकाउंट करंट अकाउंट इन द सोल्यूशन। तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू विल प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो आपके आंसर में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अपने कुछ आंसर्स बोलते वक्त अपने को थोड़े मॉडिफाई करने पड़ेंगे, जैसे ड्रॉइंग्स, पहले अपन बोलते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, आप बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, बफेट में एक ही थाली लेते थे, वाटी भी नहीं लेते थे, और सब कुछ उधर ही रख के खाते थे। अब क्या हो गया, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए हमने उसके अंदर वाटी रखा, लिक्विड बाजी उसके अंदर डाला, खीर उसके अंदर डाला, और लोगों को अच्छा दिखना चाहिए वैसा हम लोग हमारा डिश मेंटेन किया, हो गया फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इससे अच्छा क्या बताऊं मैं तुमको, बताओ। सो मेरे दोस्तों, हाँ एक डाउट इधर आ सकता है, स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, कि सर करंट अकाउंट तो बनाएगा फिर वो कैपिटल का क्या करने का? तो इन दिस केस कैपिटल भी दिया रहेगा, कैपिटल नहीं है ऐसा नहीं होगा। सो कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड डायरेक्टली। ऐसे टाइम पर तुम लोग को क्या करना है, ऐसे टाइम पर यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू हैव टू ट्रांसफर द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस टू बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड। तो लाइबिलिटीज में लास्ट में कैपिटल भी आएगा और करंट अकाउंट भी आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल्स थोड़ा सा आइडिया सब लोगों को समझा क्या? सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है लोगों को। बहुत बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं रहने का, सिंपल सा बात याद रखने का थियरी, सिर्फ स्टाइल अलग अलग है, काम एक ही है, जो बैलेंस पहले था वही बैलेंस रहता है, उसको ध्यान रखना है। इसलिए सेम सेम लाइक कैपिटल अकाउंट, पहले कैपिटल लिखते थे अभी करंट अकाउंट लिखेंगे। अगला लेक्चर में आई विल सॉल्व ए क्वेश्चन एंड शो यू।
फिलहाल आपको फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्लियरली समझ में आ गया कि अगर कैपिटल का बैलेंस हर साल सेम रहा तो फिक्स्ड, हर साल बदला तो फ्लक्चुएटिंग। कारण है इंटरनल एडजस्टमेंट्स। इंटरनल एडजस्टमेंट्स क्या है ये मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख के दे दिया है। दीज आर द इम्पोर्टेंट इंटरनल एडजस्टमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स, तो इसकी वजह से बदलता है। तो अगर वो सब कैपिटल में लिखोगे तो चेंज होगा, तो फिर वो कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। नहीं चेंज करना है तो करंट अकाउंट में लिखो, काम खत्म। ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ कैपिटल का बैलेंस दिखा तो आपको आंसर में कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। अगर आपको कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिखा तो यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड इन दैट केस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट कैपिटल बैलेंसेस विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड।